ये कौन सा गांव है? अच्छा पंछा गांव है। अच्छा कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार इस साइड में? आते हैं नेता लोग, आते हैं घर में? अभी तक कोई नहीं आया, क्यों? तो किसको वोट करने वाली हैं फिर? नहीं ऐसे कैसे, सरकार ने कुछ किया है आपके लिए अभी तक? जो आपका घर गिर गया है इसके लिए आपको नया मकान मिला है? कुछ नहीं। खेती बाड़ी कितनी है आपकी? बस इतना ही, साढ़े छह बीघा। तो सरकारी योजना के उसमें आप आते हैं? हाँ। सरकारी योजना का लाभ आपको मिलना चाहिए है ना? हाँ, वैसा मिला था। अच्छा फाइन। अच्छा अच्छा, ऐसे वृद्धा पेंशन मिलता हाँ, है? पता हो हमारी छोट वाली वो हुई है। अच्छा, लाडली बहना में? हाँ, तो वो नसाई है। अच्छा तो अच्छा सा इन्होंने मिला है, लाडली बहने वाला लाखन का मिला है, हम नहीं घर आए राय कुछ। आप तो नहीं आती होंगे उस कैटेगरी में? तो उनको मिलता है कि अभी सिर्फ फॉर्म भरा गया है? नहीं मेरा फ्लाट है, पता नहीं कुछ वो नहीं। वो जो लाडली बहना का मिलता है? हाँ। और घर द्वार तक कुछ ना कॉलोनी, अपने कमाई से मनाई कुछ बनाई, वही साढ़े छह बीघे में। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे रहे, दो लड़की रहे, एक बच्चा खत्म हो गए, उनके दो दो बच्चा है। अच्छा, नाती है? तो किसानी फिर कैसे कर पाती हैं आपको? मतलब खेत रिकॉर्ड में है लेकिन उसमें आप मेहनत तो कर नहीं सकती? सर मैंने अच्छा लगा लिया, मेहनत करते हैं। हाँ। तो और कुछ सरकारी योजना का, जैसे राशन वगैरह मिलता है? हाँ। फ्री वाला? हाँ। आंगनवाड़ी से बच्चों को कुछ फायदा मिलता है? कुछ नहीं। आंगनवाड़ी से नहीं मिलता? स्कूल से? कोनो स्कूल से कोनो फायदा नहीं है। तो ये लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं कि प्राइवेट में? ए नाती के ने कहा खाना ना बनावे तो सरकारी में रखना, ए प्राइवेट में ना लेना है। प्राइवेट पढ़ती है, सरकारी पढ़ती है। तो साइकिलों की मिली रही है? साइकिल वगैरह मिली थी। हाँ। तो पहले मुख्यमंत्री यहाँ के जो थे शिवराज सिंह चौहान जी, जानती हैं उनको? हाँ, हाँ। कैसे मुख्यमंत्री थे वो? वो ठीक है, है। लेकिन हो गया ठीक हाँ, उनसे कहीं जाए तो टिकेटर ही नहीं थी। अच्छा हाँ, टिकेटर ही नहीं थी। इतना कहा रहे हमारे बच्चा छोट वाला रहा है तो हम कह रहे कि हम 5,000 रुपया देवे हमारे कॉलोनी आ जाए, ना हमारे पतो के आए, ना लड़का के आई, हमारा आई कोई। तो सेक्रेटरी क्या कर गए? सेक्रेटरी को बस मिली हो गया, मिली हो गया, देते नहीं कहे घर दे। कौन सा गांव है ये? पंछा। अच्छा हाँ, ये कॉलोनी की लहिया है, है। ये वाली जंगसी है, है। आई पंछा। तो आपको तो जरूरत है, वृद्ध भी हैं और हाँ। दो नाती पोते आपको पालन हाँ। पोषण करने के लिए हैं, बच्चे हैं हाँ। तो आपको तो सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत है। सब ज्यादा जरूरत है, मिले चाहिए लेकिन कोई नहीं। तो क्या लगता है मोदी जी को जानती हैं? कौन है मोदी जी? मोदी जी ने तो जाने नहीं, वोट दे वोट देती है मोदी हाँ, तो। वोट दे तो सब जन देखे, लड़का मारे थी पतो देती हूँ हम देखे। तो आप बोल रही कि आपको ज्यादातर योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जैसे सरकार जिस तरीके से, जैसे मोदी जी अगर कुछ देते हैं हाँ, तो आप जैसे लोगों को टारगेट करके देते होंगे कि सरकार को जिनकी जिनको वैसे जरूरत है उनको सरकार की मदद मिल जाए है ना? अभी गल्ला मिला था मोदी ने दिवा वाला हाँ, है। अब वो 600 रुपया मोदी ने दिवा वाला हाँ, अब ये दे ला हाँ। तो आपको जैसे आप 6.5 बीघे आपके पास है, खाने पीने के लिए हो जाता होगा हाँ, तो अन्न की जगह अगर शिक्षा में कुछ आइडेंटिफाई करके आपके नाती पोतों के जो शिक्षा है उसमें कुछ मदद की जाती तो ज्यादा बढ़िया होता। घर दुआ की ज्यादा करने का आवास मिल गया होता तो आपको मदद मिलती हाँ, ये सरकारी आवास नहीं है? कुछ नहीं है, आपने खुद बनवाया? कब बनवाया? जब ये घर गिरने लगा? ये घर गिरे ला हो तैयार कमरा बना है, है। लड़कियाँ हमारे चेन्नई चला जाए छोटका। अच्छा, दो लड़के हैं? दो लड़के रहे तो खत्म हो गए, बहुत होशियार लड़का रहा हमारा, दो बच्चा उनके हैं। जब वो खत्म हो गया, लड़का है तो कहाँ जाए।
अब कल के अकेले भेजते एक आँखी है तो नहीं भेजा खराब तो हो या पतो है तो किसान के माथे खाई कहीं वो अच्छा कमरा हुआ घर हमारा लड़का वो बन बाई कमाई कमाई अच्छा वो पहले जो थे तो कैसे खत्म कैसे हो गए अरे हो गए मोटर छोटर लाइन के होते एक्सीडेंट की वजह से ट्रक चलाते थे नहीं मोटर ट्रक निकल गए हैं अच्छा वो आपके कहने का मतलब है किसानी के लिए जो बिजली वाला मोटर होता है उसका उपयोग कर रहे थे और खत्म हो गए करंट से तो जो उसी याद बहुत रहे हैं अब बाप रहते हैं कुआं में गिर गए खत्म हो गया कुआं है कुआं में खत्म हो गया रहे तो परेशानी से कितनी उम्र थी तब उनकी अरे मेरे भी यहाँ आधी रही है अच्छा अगर छह सात साल दस साल सीधे हो गए हो पाँच साल तीन साल चौथा साल लड़का का लगा है खत्म है क्या करी तो आपके घर में देखा जाए तो पुरुष का भी आप किरदार बहुत कम उम्र से निभाती आई हैं एक तरह से देखा जाए तो बहुत संघर्ष किया है आपने जिंदगी में ऐसे घर को खाली हो गया एक लड़का है तो जो आपके जो जो बचे हुए लड़के हैं वो आपकी नहीं केयर करते करा था लेकिन कही थी कि देश परदेश ना जाओ घरे में जाऊँ हो काम करा तो अगर उनको कहीं अच्छी जगह में नौकरी मिल जाए तो भेज देगी हाँ इसे सरकारी सरकारी है प्राइवेट मिलेगी तो नहीं भेजेगी नाती इंदौर है माँ अच्छा हाँ तसे मौसमी की दुकान तब करे लाए नहीं है लेकिन हो गया छोटी उम्र है छोटी उम्र कितने साल के अरे हो गए 12-13 साल की अच्छा जिनके पिता नहीं हाँ, अच्छा नहीं बड़काऊ की छोट वाले क्या नाम है आपका हमारा शशि प्रभा नाम पूरा नाम बताइए हमारा पूरा नाम शशि प्रभा नहीं जैसे जाति हमारे देश में कुशवाहा कुशवाहा ओबीसी में आते हैं हाँ हाँ कुशवाहा है तो ओबीसी के लिए सरकार तो बहुत कुछ कर रही है कुशवाहा है तो आप लोगों को ओबीसी होने का कोई फायदा नहीं मिल रहा है बच्चियाँ कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं वो जो है कौन सी स्कूल में पढ़ती हो यहाँ पास में ही है स्कूल हाँ में ठीक है आप संघर्ष करिए आपके बेटे को अगर नौकरी की जरूरत होगी कहीं अच्छी जगह में नौकरी करवाना है तो आप बता देना द खबरदार न्यूज में सर्च कर लेंगे गूगल में और कांटेक्ट कर लेंगे नौकरी मिल जाएगी अच्छी नौकरी मिल जाएगी ठीक है।